नोएडा की नई कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जी ने कार्यभार संभाल लिया है और दावा किया है कि एनसीआर क्षेत्र में पुलिसिंग का ऐसा मानक तय किया जाएगा जो अन्य कमिश्नरेट के लिए उदाहरण पेश करेगा। उन्होंने बुधवार को चार्ज लिया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों के सामने खुलकर बात की और कहा कि 24 आवर्स लोगों को सुरक्षा दी जाएगी, खासकर महिलाओं को 24 घंटे सुरक्षा दी जाएगी। देखें क्या बोली गौतम बुद्ध नगर की नई कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जी। 3 साल से पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम एनसीआर रीजन में काम कर रहा है, लेकिन नोएडा के स्थिति होने के कारण जो एक पेपरलिटी है, जो इसकी डिस्टिंक्टिव पहचान है और जो चैलेंजेस रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ही पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम यहाँ पर लागू किया गया था। 3 सालों में काफ़ी कुछ चीज़ें सिस्टमिक रूप से डेवलप की गई हैं, इंटीग्रेट की गई है और किसी भी न्यू फार्म सिस्टम को बहुत अधिक संख्या में मल्टीनेशनल कंपनीज, इंडस्ट्रीज, कमर्शियल एंटरप्राइजेस के हेडक्वार्टर्स नोएडा में हैं जिसमें 24 घंटे काम चल रहा है। बहुत अधिक संख्या में कामकाजी महिलाएं हैं जो नोएडा के विभिन्न ऑफिसेज में कार्यरत हैं, इनको भी एक सुरक्षा कवच देना, 24 घंटे ये कवच स्थायी बना रहे और परिलक्षित होता रहे। मुझे आज की मीटिंग में ये बताया गया है कि 10 साल में सैंक्शन हुए हैं जिसमें से 6 अभी तदर्थ आधार पर अस्थायी रूप से चालू किए गए हैं। हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि इनको अपना भवन दिलाया जाए, उसके लिए जो भी फाइनेंशियल सैंक्शन चाहिए उसको सैंक्शन कराया जाए और जल्द से जल्द ये मूर्त रूप में ग्रहण, तब तक जहाँ पर चौकियों में कार्यरत है उसकी व्यवस्था को थोड़ा सा सुधार।